गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर हो रही है और मैंने सोचा चलो यार आज कुछ साड़ी वाड़ी पहनी जाए, नवरात्रि चल रहे हैं तब से मैंने एक बार भी साड़ी नहीं पहनी। कुछ लोगों के कुछ रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि दीदी आपने तो एक दिन भी साड़ी नहीं पहनी, नवरात्रि निकल जाएंगे। कुछ लोगों को वैसे भी मेरे से कुछ साड़ी में देखने का मन था, कुछ लोग कह रहे थे ब्लॉगिंग करते टाइम दीदी कभी तो साड़ी पहनो कभी तो साड़ी पहनो, तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई कर लिया जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30-5 बजे का। सुबह से मैंने सूट पहना हुआ था, सूट पहन के घर के कामकाज कर रही थी मैं और कुछ भी शूट नहीं किया है आप लोगों के लिए, तो सॉरी फॉर दैट। और फिर मैंने सोचा चलो शैम्पू वैम्पू करके, बालों में डला हुआ था तेल तो शैम्पू करके आई हूँ। अभी थोड़े थोड़े से गीले बाल, पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। लिवॉन लगा के आई हूँ हमेशा की तरह जैसे लगाती हूँ। मेकअप वेकअप कुछ नहीं कराया, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के थोड़ा सा साड़ी पहना तो अच्छा लगता है। डार्क लिपस्टिक, आई लाइनर, काजल, बिंदी, और कैन यू बिलीव इट, ये बिंदी जो है ना आप बिलीव नहीं करोगे ये कब की है। अंदाज़ा लगाओ, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, नहीं कुछ सेकेंड्स दे रही हूँ। लगाया आपने अंदाज़ा? तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो है मेरे करवा चौथ जो था, फर्स्ट शादी के बाद का फर्स्ट करवा चौथ। आप लोगों को विश्वास तो नहीं होगा लेकिन ये सच है जो मैं बता रही हूँ। ये जो बिंदी है ना उसको ध्यान से देख लो आप, ये इसके साथ मैंने नीचे मेरा जो ये लाइनर है ना, जेल लाइनर, उससे मैंने ये ब्लैक कलर का ये ऐसे किया है, लाइन और डॉट डॉट किए हैं। और ये जो ऊपर बिंदी है ना गाइज, ये मेरे करवा चौथ की है, मतलब जो पहला करवा चौथ है शादी के बाद, पहला करवा चौथ था शादी के बाद, बोलने में आजकल जबान पता नहीं क्या हो जाता है। तो उस पे मैंने ये बिंदियाँ ख़रीदी थी और तब से अभी तक वो बिंदी का पैकेट मैंने संभाल के रखा है। इवन उस दिन जो मैंने यूज़ की थी फर्स्ट करवा चौथ पे, वो भी मैंने यूज़ करने के बाद पत्ते पे ही लगा दी थी फिर से, बिंदी के पत्ते पे। तो अभी तक है मेरे पास वो पत्ता। लोगों को विश्वास ही नहीं होगा पर सच बोल रही हूँ मैं। तो नवरात्रि चल रहे हैं कि मैं नवरात्रों की पूजा क्यों नहीं कर पाई थी, किस वजह से नहीं कर पाई थी, वही लेडीज़ वाला प्रॉब्लम, तो मैं नहीं कर पाई थी, सॉरी। तो आज सोच रही हूँ मैं कि हवन वगैरह करूँ, और लॉकडाउन चल रहा है। यस, #21 days lockdown एंड #stayhome, ये मैं फिर से एक बार याद दिला देती हूँ यार, क्योंकि मेरा काम है ना सिर्फ आपको एंटरटेन करना, एज वेल एज मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित रहें, क्योंकि यू ऑल आर माई फैमिली एंड आई वॉन्ट दैट कि आप सब लोग हैप्पी रहें, खुश रहें। लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि दीदी आप लेफ्टी हैं क्या? तो येस, मैं लेफ्टी हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मेरा जो ये वाला हाथ है ये थोड़ा सा हैवी है और ये वाला हाथ मेरा थोड़ा पतला है, तो वो चूड़ियाँ जो हैं इसमें आ नहीं रही हैं, तो मैं ला नहीं पाई। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं किसी वजह से नवरात्रों की अभी तक मैं कुछ भी कर नहीं पाई ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो जो भी है यार, मतलब भले हम लोगों को घर में रहना है, कहीं नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, त्यौहार तो मना सकते हैं ना, चाहे जो भी सिचुएशन है। मुझे पता है इस बार कंजिकाएं भी कैसे हम खिलाएंगे वो भी एक क्वेश्चन है। कंजिका बहुत लोग समझ गए होंगे, जो लड़कियों को 8वें दिन, 8वें दिन हम लोग खाना खिलाते हैं, तो वो भी नहीं पता कैसे होगा, पर कोई बात नहीं, हम कुछ तो करेंगे, है ना। जैसे जिस अगर हम सब ये सोच लें ना 21 डेज़ के लिए, मतलब 21 डेज़ में से काफ़ी दिन तो निकल गए, 4-5 दिन तो निकल गए, ब्लॉग तो बाद में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम ये सोच लें ना कि भगवान तुझ तो हमें जिस हाल में रखेगा हम उस हाल में बस खुश रहेंगे, तो हमारे दिन बड़े आसानी से कट जाएंगे, तो क्यों ना हम ऐसा करें। तो बस यही सोच के मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और हैप्पी हैप्पी वाले मतलब व्लॉग्स बना रही हूँ, हैप्पी हैप्पी वाले। जैसे कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि भाई ऐसे कैसे ये डांस कर रही है, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, लेकिन मैं सिर्फ ट्राई करूँ मेरे चैनल के थ्रू कि मैं आप लोगों के चेहरे पे छोटी छोटी सी स्माइल दे सकूँ, छोटी छोटी सी स्माइल से आप लोग हंस सके सिर्फ मेरी वजह से, बस वही ट्राई कर रही हूँ। मानो कि ये मैंने विवेक की जिद पे भी, आपकी जिद पे तो ठीक है आपकी भी इच्छा थी, लेकिन विवेक बहुत दिनों से बोल रहे थे, अभी कुछ दिन पहले जब मैं मेरी कबर्ड साफ करी थी तो वो अंदर रूम में आए और बहुत सारी साड़ियाँ बिखरी हुई थी, तो ही सेड कि तुम साड़ी कभी नहीं पहनती हो, तो मैंने बोला यार अभी नवरात्र आएंगे तो पहनूंगी, तो इन्होंने मुझे याद दिलाया। और सुबह से जिद कर रहे थे, मतलब सुबह से कल परसों से जिद कर रहे थे कि साड़ी कब पहनेगी, साड़ी कब पहनेगी, एक तो मैं घर में बैठा हूँ कहीं जा नहीं सकता 5 मिनट के लिए भी, और बीवी भी जो है बस कभी मेरे मन की बात नहीं करती है। तो मैंने कहा चलो आज सब काम एक तीर से बहुत सारे शिकार हो जाएंगे, माता जी का दिन है, रेड कलर की साड़ी अच्छी लगती है, रेड मरून कलर है ये, एग्जैक्टली एकदम रेड भी नहीं है ये रेड और पिंक मिक्स कह सकते हैं ऐसा कुछ कलर है। तो उसके साथ सेम लिपस्टिक मैंने 2 लिपस्टिक शेड कंबाइन करके लगाए हैं और ये बूटे बूटे हैं पूरी साड़ी पे, और पल्ला बहुत सुंदर है, और इसका ब्लाउज अभी बना नहीं है, नई साड़ी है इसलिए ब्लाउज मैंने किसी दूसरी साड़ी का कंबाइन किया इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे येलो बॉर्डर है तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पल्ला भी कितना सुंदर है। और अब मैं बता देती हूँ ये कहाँ की है, ये जॉम्सो की है, जॉम्सो का क्लोथिंग हॉल अभी आना बाकी है। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो जितने भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे कुछ भेजा हुआ है, लाइक जैसे एक सनस्क्रीन आया है जो कि बहुत ही बढ़िया है, मैं चाहती हूँ आप लोगों को उसके बारे में बताना, और जॉम्सो के कुछ कपड़े आए हुए हैं जिसमें से एक साड़ी मैंने वेयर की हुई है और भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन अभी उन लोगों ने मना किया है। और वैसे भी मुझे भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि होगा क्या कि जब मैं वीडियो पब्लिश करूंगी तो
तो कोई उसे ऑर्डर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद है 21 डेज़ के लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जब पता है 21 डेज़ अकेले रहना है तो क्यों ना हम हैप्पी रहें, क्यों ना हम खुश रहें, क्यों ना उमंग के साथ वो दिन निकाल दें ऐसे ही। तो माता जी की नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से, विवेक बच्चों की तरफ से, सब लोग खुश रहिए। और जिन भी हालातों में नवरात्रे आए हैं, बस हमको इन्हें अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है। और कंजिकाओं को खाना नहीं खिला सकते तो क्या हुआ, हम उस पैसे से किसी को दान तो दे सकते हैं जो हम गिफ्ट्स देते हैं अष्टमी के दिन, और या फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, घर में पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ 9 दिन हवन होता है, आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या होता है मुझे बताइएगा। तो चलिए विवेक से भी आपको मिलवाती हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या आता है। साड़ी भी उन्होंने अभी, मुझे पता है उनको मैं साड़ी पहन रही थी लेकिन उन्होंने मुझे अभी देखा नहीं, आई थिंक वो फ़ोन पे बात करते जब मैं इस रूम में आई। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई फास्ट नहीं किए नवरात्रों के, क्योंकि मुझसे फास्ट नहीं होते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है। ये मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि मेरे को ब्लड प्रेशर डाउन जाने की प्रॉब्लम है, तो ये रीज़न है मैंने कोई फास्ट नहीं किए हैं। बट हाँ, पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं। और आज दोपहर में सिर्फ दाल चावल थे और शाम को इडली और सांभर बनाने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। साड़ी पहन के किचन में भी काम हो जाए, क्योंकि साड़ी पहन के मैं कभी किचन में काम नहीं करती, लेकिन आज मैंने सोच के रखा है, ये चैलेंज लिया है कि मैं खाना भी साड़ी पहन के बनाऊंगी, क्योंकि मैं जनरली खाना कभी भी साड़ी पहन के नहीं बनाती, हमेशा चेंज कर लेती हूँ जब कहीं जाती हूँ। किसका फोन आ रहा है, 2 मिनट में मिलती हूँ आपसे। यहाँ भी क्या चल रहा है, टाइनीज कलर कर रहे हैं बैठ के, टाइम पास कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं इस टाइम पे जब सब कुछ बंद है। और ये पेंटिंग्स में पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी आई थिंक दिखा चुकी हूँ या नहीं दिखाया, ये देखिए कुछ पेंटिंग वगैरह कर रही है, और यही ये करता रहता है, फ़ोन में खेलता है, टीवी देखता है, पेंटिंग करता है। आपसे बात करने के बाद मैंने थोड़ा सा दूसरा भी काम किया, चलिए सब लाइट्स ऑन कर देते हैं, ये देखिए यहाँ की भी ऑन कर दी है। गाइज़, आई नो आजकल सब लोग खुद काम कर रहे हैं, घर में बहुत सारा काम कर रही हैं लेडीज़, वैसे भी हम लेडीज़ तो हमेशा काम करते हैं, लेकिन आजकल काम का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होगा, क्योंकि किचन भी हाउस हेल्पर्स भी नहीं आ रही है, लेकिन यार इसे भी इंजॉय करो और मज़े से जो है आराम आराम से काम करो, और हस्बैंड से हेल्प लो। आजकल मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मतलब विवेक काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आजकल, बर्तन भी धो देते हैं कई बार एक टाइम के मैं धो देती हूँ, दूसरे टाइम के वो धो देते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है हमारे घर में काम, और दोनों बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे पता है कि सबके बच्चे जो है सिर खा रहे होंगे मम्मियों का, क्योंकि घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, खेलने के लिए भी शाम को नहीं भेजना है, बिल्कुल नहीं भेजना है गाइस, कहीं नहीं भेजना है बच्चों को, घर में ही रखना है बस। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो लोग कर सकते हैं, लाइक दे कैन कलर, दे कैन डू पेंटिंग, थोड़ी देर टीवी, यानी एक थोड़ा टाइम टीवी, ऐसे उनका टाइम डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले सुबह में उठने के बाद मेरे दोनों बच्चे क्या करते हैं वो बताती हूँ आपको, दोनों बच्चे पहले मेरी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, लाइक डस्टिंग में, जैसे आपने देख भी लिया होगा मेरे वीडियोज़ में, दोनों हेल्प करते हैं, तो थोड़ा सा उनसे हेल्प लीजिए घर के कामकाज में। छोटे छोटे काम तो बच्चे कर ही सकते हैं, और ऐसा करने से बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट बनते हैं, ट्रस्ट मी गाइस। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाइए, थोड़ा थोड़ा काम दीजिए उन्हें अपने साथ साथ, सफाई फाई करने का ये वो, जैसे कि थोड़ी मोड़ी डस्टिंग कर सकते हैं वो लोग, सामान अगर उनका फैला पड़ा है वो एटलीस्ट उठा के रख सकते हैं, अगर कोई चीज़ आगे रूम में रखी है मतलब, और आप डस्टिंग कर रहे हो तो बच्चों को बोलो कि वो उठा के रख के आएँ, इससे उनमें इंडिपेंडेंस आएगा। इसके बाद थोड़ा पेंटिंग है वो कर सकते हैं, थोड़ा टीवी देख लें, कुछ न्यूज़ वगैरह चला लो, कुछ उनको दुनिया के बारे में दिखाओ। हाँ, रामायण स्टार्ट हुई है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप बच्चे को रामायण दिखा सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से जो नॉलेज आती है उससे अच्छा देखने से नॉलेज आती है, ये तो मानेंगे ना आप, तो उनको रामायण दिखाइए। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको अपना खुद का काम करना सिखाइए, लाइक अगर वो कहीं बैठ के चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उनसे कुछ गिर गया, वहाँ से उनको क्लीन करने का बताइए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इनको इस टाइम पे सिखाइए। इसके अलावा नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ माता जी के जो श्लोक वगैरह हैं वो बता सकते हैं, उनका अर्थ बता सकते हैं, तो ये काफ़ी सारे काम हैं जो बच्चे कर सकते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं। और भी बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं जो खेल सकते हैं, कैरम, ये वो, ये सब। थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, कभी कभी डांस कीजिए बच्चों के साथ, इससे आप में भी एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा फील होगा, डिफरेंट फील होगा, और बच्चों को भी बहुत अच्छा फील होगा, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ यार घर में रह के भी वी आर गेटिंग एंटरटेन्ड, लाइक फ्रेंड की तरह रहिए उनके साथ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सख्त हो जाइए, लेकिन इसके अलावा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितने भी हस्बैंड्स मुझे किसी के वॉच कर रहे हैं, तो उनको तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपनी अपनी बीवियों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए, ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा आपको, तो दिल खोल के बातें करिए अपनी वाइफ्स के साथ, खूब टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, दिल खोल के बच्चे बन जाइए बच्चों के साथ, और अपना ऐसे ही बस ये 21 डेज़ का लॉकडाउन टाइम निकाल दीजिए, और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, तो आपको एक एनर्जी, और ये 21 डेज़ में आप कैसे, मतलब आपके साथ साथ हूँ मैं, इन 21 दिनों में मैं आपके साथ साथ हूँ, तो मिलके मिलजुल के बिताएंगे, मिलजुल के ये टाइम निकालेंगे, है ना।
तो ये साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये साड़ी का पल्लू बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए कितना सुंदर पल्लू है इसका। और कैसी लगी ये साड़ी मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों की खुशी के लिए और विवेक की ज़िद के लिए पहनी है मैंने, विवेक को अच्छा लगे बस इसीलिए। चलिए विवेक से भी मिलवाती हूँ आपको, ओके फ़ोन पे बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने मिलवाया नहीं विवेक को, तो चलो मिलवाती हूँ। काफ़ी सारी आज बातें हो गई हैं, थोड़ा चिट चैट ज़्यादा हो गया, चला लेना यार कभी कभी अच्छा लगता है। वैसे भी आजकल आप लोग बोर हो रहे हैं तो मेरे चिट चैट से आपका थोड़ा मन ही लग जाएगा, है ना। कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे साड़ी पहनना, थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो जाता है, आप लोगों के लिए भी कुछ अलग लगेगा। और पतियों को तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बीवियाँ इस तरह से तैयार होती हैं, तो आजकल बच्चे सॉरी आजकल पति घर पे है तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तैयार हो जाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। आई नो गाइज थोड़ी सी ज़्यादा चिट चैट हो गई लेकिन पसंद कर लेना, बड़ी काम की बातें कर रही थी मैं, ज़्यादा हो जाती हैं बातें कभी कभी, आई नो दैट। तो यहाँ मैं कपड़े उतार रही हूँ क्योंकि पीछे कपड़े सूख चुके हैं, आजकल विवेक धो देते हैं कपड़े और कई बार बर्तन भी कर देते हैं। नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिएगा, अगर हस्बैंड हेल्प कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हो मास्क हैं ये हमारे जो आपने हमें लगाए हुए देखा होगा, तो मैंने वॉश किए थे डिटॉल के वाटर में। ये कुछ किचन के कपड़े हैं जो वॉश किए थे, आज मैंने किए थे, ठीक है। कभी कभी विवेक धोते हैं, आज मैंने ये किचन के सारे कपड़े धो दिए थे। किचन के कपड़े हैं जो कि अक्सर मैं वॉश करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो चलिए इन सबको मैं उठा के रख देती हूँ घर में, बस शाम के जो काम होते हैं। और पता है कभी साड़ी नहीं पहनती ना तो ऐसे चलने में भी मुझे अजीब सा हो रहा है क्योंकि साड़ी पहन के जनरली आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा घर का काम करते हुए, कभी पहनती भी हूँ तो बस बाहर जाने के लिए। और यहाँ पर मैं सब काम कर रही हूँ, मेरे दूसरे वाले रूम में कपड़े वगैरह रख रही हूँ ना, विवेक सामने ही फ़ोन पर बात कर रहे हैं बालकनी में, लेकिन बीवी पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा, मतलब उन्हीं की ज़िद पर मैंने ये सब किया और उनका ध्यान नहीं है मुझ पे, अभी तक उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है। अब उन्होंने मुझे देखा, वो कुछ मुझे कह रहे हैं फ़ोन पे बात करते करते ही मुझे कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब हस्बैंड को टाइम मिलेगा तब अच्छी तरह से देख लेंगे। फिलहाल मैं ये काम निपटा लेती हूँ, सब कपड़े सबकी अलमारी में जमा देती हूँ। ये मेरी अलमीरा है आपको पता ही है, तो इसमें मेरे कपड़े वगैरह उठा के रख रही हूँ। और फिर इसके बाद ये जो रनर है, सुबह में झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना तो वो रह जाता है क्योंकि खुद ही करना है आजकल सारा काम, तो रह जाता है। और आप देखो किचन की हाल देख लो कितने बेहाल हैं, बस दोपहर को ये बर्तन करे थे मैंने, दोपहर के तो मैं ही करती हूँ, रात के भी मैं ही करती हूँ लेकिन कभी कभी रात को विवेक कर देते हैं जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो चुपचाप जाके किचन में पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चलने देते। तो दोपहर में आजकल काम ज़्यादा बर्तन करके ऐसे ही हट जाती हूँ और मैं साफ़ नहीं कर पाती किचन, तो फिर मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। तो बस वही सब किचन वगैरह साफ करूँगी अभी, और ये जो बर्तन साइड पे धुले हुए रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी बर्तन का जो बास्केट है वो नीचे रखा है वो भी भरा हुआ है, उसको भी खाली करना है। आजकल हाउस हेल्पर्स नहीं है ना, बहुत सारे काम दूसरे भी हो जाते हैं करने के लिए, तो फिर रह जाता है, तो बस वही कर रही हूँ। और आपको याद होगा कि ये ड्रॉर्स वगैरह ठीक करने के लिए भैया आने वाले थे लेकिन उससे पहले लॉकडाउन हो गया, तो आप ड्रॉर की हालत देख सकते हो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन भैया आ रहे थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, बट ऐसा सब हो गया इसीलिए उनका कैंसिल हो गया है। अभी जब तक लॉकडाउन है तो पॉसिबल ही नहीं है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा साड़ी पहन के काम करने का, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, एक वाली फीलिंग आ रही है एक हाउसवाइफ वाली। और अब देखिए फाइनली विवेक आए और मुझे देखा इन्होंने और रिएक्ट किया, बड़े खुश हो रहे हैं, ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं ये मुझे देख देख के। तो अच्छा लगा कि हस्बैंड को मैं पसंद आई और आपको बता रहे हैं कि मेरी बीवी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बस देख लीजिए, और इनको ना आपसे कुछ कहना है तो चलिए, ये किचन मेरी ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है, मिलते हैं आपको हम दोनों कैमरे के सामने। हाँ अब बोलो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ये मेरी सुंदर बीवी है, मैं बहुत लकी हूँ सुंदर बीवी मिली मुझे आज, इनकी जिद पे मैंने साड़ी पहनी है। ये मुझे हमने कहा था नहीं, माता जी का चल रहा है, एक दिन साड़ी पहन प्लीज यार। और देखो चूड़ी भी पहनी है, हैप्पी सब दिखा रहे हैं आपको ये मैं और आजकल बहुत हेल्प कर रहे हैं, उसके कहने पे मैंने यार ये पहन लिया बनियान मेरे कहने पे कुछ भी, और आजकल ये काफी हेल्प कर रहे हैं घर के कामों में, बर्तन भी कर रहे हैं। तो सब लोगों को, सब मर्दों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई साहब अपनी बीवी को हेल्प करो यार, घर में ही तो बैठे हो, पेट बढ़ जाएगा, काम करो, अपनी बीवी को हेल्प करो, बीवी पूरा दिन काम करती है उसको सपोर्ट करो, उससे आपका दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। ये 21 दिन इज द बेस्ट चांस फिर से आपकी लाइफ में रिवाइव करो, मैरिड लाइफ को रिवाइव करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, मैरिड लाइफ को रिवाइव कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, ये भी सब इसने सिखाया है, बच्चों को टाइम दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, ये बहुत अच्छा भगवान ने टाइम दिया। और अगर ऐसा समझ के अपनी फैमिली के साथ रियल में टाइम स्पेंड करो,
प्लीज। और अगर कभी बर्तन वर्तन या घर का कोई काम करना पड़ जाता है ना किसी मर्द को, चलता है उसे ऐसे मत लो कि काम कर रहे हैं घर का, टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि आप घर पे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी वाइफ को, क्योंकि वाइफ्स के ऊपर तो डबल काम हो गया है ना आजकल, हस्बैंड्स तो फिर भी बाहर से फ्री हो गए तो आराम कर रहे हैं घर पे, लेकिन वाइफ्स के ऊपर तो हस्बैंड भी घर में होता है तो काम भी ज्यादा हो जाता है, बर्तन धो रहे हैं क्योंकि हमारे वहाँ काम वाली कोई नहीं आ रही, तो मैं बर्तन हमारे क्या किसी क्या नहीं आ रही, किसी क्या भी नहीं आ रही है, हमारे वहाँ सबने वो कर दिया है कि 14 अप्रैल तक कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तो मैं बर्तन धोता हूँ, कभी कभी ये धो लेती है, जनरली तो यही धोती है पर मैं धोता हूँ, पर कपड़े बहुत सारे धो रहे हैं आजकल, कपड़े यही सुबह शाम चावल में रखता हूँ धो के, दाल में रखता हूँ, फिर बाकी का ये काम कर लेती हूँ, अच्छे वाले पति हो गए। Try to be a very good husband and good partner. हाँ, और पता है मुझे हमेशा मुझसे लड़ते हैं कि तुम साड़ी पहना, हाँ, झगड़ना तो कभी वो भी करने का, झगड़ा भी तो होना ही चाहिए, तो पता चलेगा कि प्यार है कि नहीं, गलत है, ये गलत है, और वीक में कम से कम एक दिन साड़ी पहनने की रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे, लेकिन मैं कभी भी पूरी नहीं करती, नहीं करती, इसलिए आज इनकी जिद पे मुझे पहननी पड़ी साड़ी, मैं कहा चलो माता जी का दिन भी है, ये लोग मुझे देखना चाहते थे साड़ी में, और ये साड़ी कैसी लगी आपको? काफी अच्छा टाइम चल रहा है माता जी का, पवित्र टाइम, पवित्र टाइम, बस माता जी से एक वो है कि बस दूर करो इंडिया से, इंडिया से क्या पूरा वर्ल्ड से कर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सब लोग मिलके प्रे कीजिए, और सभी को नवरात्रों की हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड स्टे सेफ एट होम, एंड प्लीज हर 20 मिनट में हाथ धोइएगा, हैशटैग स्टे होम, यस प्लीज, चलो फिर चाय बनाएं, टेक केयर फॉर किड्स आल्सो, और आप खुद का भी, या चलिए गाइस, तो फिर चलो चाय बना लेते हैं, कितना टाइम हो गया है काम करते करते, 7 बज गए हैं, चाय लेट हो गई है, फिर मुझे पूजा भी करनी है, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, पर हस्बैंड्स हेल्प कर देते हैं ना तो थोड़ी सी चीजें इजी हो जाती हैं, आई थिंक सभी को हेल्प कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, जहां तक मैं जानती हूँ कि अब वो थिंकिंग जो पहले टिपिकल थिंकिंग हुआ करती थी कि बस बीवियों को हेल्प नहीं करनी है, उन्हें अकेले काम करने दो, आई थिंक अब जो मेल्स हैं वो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, और अब बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, एक्चुअली आज दोपहर में सिर्फ दाल चावल थे, और क्या हुआ विवेक ने बनाए थे दाल चावल, आज मैंने नहीं बनाए थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बैठ के खाया, पता है जो चीज़ें लाइफ में कभी नहीं हुई ना आजकल वो चीज़ें भी हमारे लेडीज़ के साथ हो रही हैं, किस किस के साथ हो रही है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे साथ तो हो रही है, बिकॉज कभी भी विवेक ने दाल चावल जैसी चीज़ कभी नहीं बनाई, लेकिन आजकल जब वो देखते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मतलब अवसर पर नहीं आती तो सभी काम अपने ऊपर आ जाते हैं, प्लस जो YouTube का काम होता है वो भी होता है, तो उनको थोड़ी सी दया आ जाती है, और वो कई बार खाना वाना बना लेते हैं, तो दाल चावल बनाना सीख गए हैं, इन वेकेशंस का एक फ़ायदा मिला है कि विवेक ने दाल चावल बनाने सीखे, विवेक ने कई सारी चीज़ें बनानी सीखी मुझसे, और एज वेल एज कपड़े धो लेते हैं, और आजकल तो कभी कभी जैसे मैंने बताया बर्तन भी कर रहे हैं, इवन मैं करती हूँ तो एक टाइम मैं कर लेती हूँ, अगर वो देखते हैं ना कि पड़े हुए हैं मैं उनको मना करती हूँ, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं वो तुरंत से चटाक करके कर देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी हो रही है, यहाँ चाय हो गई, देखिए थोड़ी सी किचन मैस हो रही है, मतलब ये गैस का चूल्हा गंदा हो रहा है, तो चाय बन रही है, हमारी सासत विवेक मुझे कुछ बातें बता रहे हैं जो उनका फ्रेंड उधर से उनको बता रहा है, वो बातें मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं, और मुझे बस आजकल तो बड़ा क्या बोलते हैं नई नई चीज़ों की फरमाइश करते रहते हैं, ये बना लो ये बना लो, क्योंकि आजकल ना बच्चों की तरफ से थोड़ा सा दिमाग शांत है, ट्यूशन स्कूल्स नहीं है ना, तो बस नई नई चीज़ें खाने की डिमांड करते रहते हैं, और नई नई चीज़ें मैं इन लोगों के लिए आजकल बनाती रहती हूँ, बस इसी तरह से मेरा वक्त जा रहा है, आप लोगों का वक्त भी मुझे पता है ऐसे ही जा रहा होगा, लेकिन फिर भी ऑल वुमेन वॉचिंग मी राइट नाउ,
थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालिए यार, भले फैमिली है तो क्या हुआ, थोड़ा सा वक्त निकालिए। कभी कभी आप भी ऐसे साड़ी पहन लो घर में बिना वजह, अच्छा लगेगा इन लोगों को। तो यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और साथ में हमारी गुफ्तगू चल रही है। चाय के टाइम पर हम दोनों ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं और बच्चों से भी बातचीत होती है, हम दोनों भी बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर ही डिस्कशन कुछ चल रहा था, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या बात चल रही थी, लेकिन कुछ तो बात चल रही थी। हाँ तो गाइज एक चीज़ और बतानी है आपको, नवरात्रे में क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पाई अभी तक के जब तक मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, वो लेडीज़ वाला प्रॉब्लम और वही रीज़न था कि गुड़ी पाड़वा का व्लॉग भी नहीं आया है, क्योंकि गुड़ी पाड़वा भी मैं इसीलिए सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। तो आप समझ सकते हैं मैंने आपको बता दिया लेडीज़ वाला प्रॉब्लम था, तो बस इसीलिए गुड़ी पाड़वा का व्लॉग नहीं आ पाया है। तो चलिए हमारी चाय वाय तो हो चुकी थी, उसके आधे घंटे के बाद में अब मैं दिया करने के लिए बैठी हूँ भगवान जी का, तो आ जाइए आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो शाम के टाइम ना ये दिया ज़रूर करना चाहिए, और नवरात्रे हैं तो हवन वगैरह भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए, पर दिया वगैरह तो ज़रूर करना चाहिए, धूप भी जलानी चाहिए। और अभी जब मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं भगवान से यही प्रार्थना की है मैंने पूजा करते हुए कि जो भी संकट हमारे देश पे आया है, दुनिया पे आया है, इसको आप प्लीज़ इस संकट से हमें उबारिए, दूर कीजिए ये संकट सबका, सबकी ज़िंदगी वापस से बहाल हो जाए, जैसे पहले थी वैसी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बस यही दुआ की है मैंने। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप लोग भी माता जी से दुआ कीजिए कि सबकी ज़िंदगी बैक टू रूटीन हो जाए, जो भी चल रहा है वो सब फिनिश हो जाए। लेकिन रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला गाइस, सब लोग खुश रहिए और खुशी खुशी अपना ये वक्त बिताइए। जो भी वक्त आया है, जैसा भी आया है, इसको खुश रह के बिताएंगे तो आसानी से चला जाएगा, और अगर रोते रोते परेशान होकर बिताएंगे ना तो ये वक्त हमें बहुत लंबा लगेगा। तो बेटर है कि हम खुश होकर बिताएँ। कौन मेरे से एग्री करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आप दर्शन कर लीजिए मेरे गन्नू भैया के, तो शांति मिली ना आपको भी, मुझे भी बहुत शांति मिलती है उनके दर्शन करके। चलिए तो बनाते हैं सांभर, शुरुआत करते हैं। ये तुअर दाल है, इसको धो लूँगी मैं, और मैं भिगोऊंगी नहीं, डायरेक्टली कुकर में डाल के इसमें सीटियाँ बजाऊंगी, और सिर्फ दो सीटियाँ बजाऊंगी। उसके बाद में मैं जो वेजीज ऐड करते हैं ना सांभर में, वो अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वेजीज फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो पहले इसमें दो सीटी लगाऊंगी, उसके बाद में फिर खोल के कुकर, फिर वेजीज ऐड कर दूंगी और फिर से दो सीटी लगा दूंगी, ऐसे करूंगी। चलो स्टार्ट कर देते हैं। मैं पहली बार साड़ी पहन के खाना बना रही हूँ, जनरली मैं साड़ी पहन के कभी खाना नहीं बनाती, पर मैंने सोचा चलो आज वी शुड गिव इट अ ट्राई। तो चलिए अब ये दाल मैंने धो ली है, इसको इसमें डाल देंगे। और मेरी जो दाल है ना वो कैस्टर ऑयल लगी हुई है, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती भिगोने की, मैं बिना भिगोए ही पका लेती हूँ, फटाफट पक जाती है। तो इसको जब उबालने रखूँगी मैं, तो सिर्फ एक प्याज बड़ी बड़ी कट करके इसमें डालूँगी, जो कि इसको एक पंच देगा सांभर वाला। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को कुकर में डाल दिया है, जितना डिज़ायर्ड वाटर है उतना डालिए, थोड़ा ज़्यादा ही पानी पड़ेगा क्योंकि हम सांभर बनाने वाले हैं। सो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ी हल्दी मैं बाद में भी डालूंगी तड़के के टाइम पे। और इसमें एक बड़ा प्याज मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिया है, तो इससे सांभर का जो पंच है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ा सा तेल मैं क्यों डाल रही हूँ, इससे ना कभी भी हमारा पानी जो है वो सीटी के साथ बाहर नहीं आएगा, दाल बाहर नहीं आएगी, बस इसीलिए तेल डाला है। तो अब चलिए फिर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, अगर आप छोटा या मीडियम साइज़ लें तो दो ले लें इतने सांभर के लिए, और इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, मीडियम टुकड़े किए मैंने, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम साइड पर रख देंगे, चलिए दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर टैमरिंड यानी कि इमली को भिगो दिया मैंने, क्योंकि इसमें खटास चाहिए होती है सांभर में ना, और सांभर में सबसे ज़्यादा अच्छा इमली का ही पानी लगता है, इसकी खटास बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं सब्जियां कट कर रही हूँ, वेजीज में मैंने टमेटो कट किए हैं, जिंजर और हरी मिर्ची एक साथ कट किया आप देख सकते हो, और ये मैं लौकी कट कर रही हूँ यानी कि दूधी, ये लौकी है, जिंजर हरी मिर्ची है और टमाटर है और प्याज है, तो ये टोटल चीज़ें लगेंगी सांभर के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो सीटी लगाई हैं और कुकर को खोल दिया है, आई थिंक इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा, और पानी के साथ साथ इसमें मैं अब वेजीज डालूंगी। दो सीटी के बाद डालिए और फिर से दो सीटी लगा दीजिए, या एक सीटी लगा दीजिए, तीन सीटी के बाद डाल लीजिए, तो आपकी जो वेजीज है ना वो एकदम से वो नहीं हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाएंगी। और थोड़े टमाटर मैं तड़के में डालूंगी, थोड़े मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो चलिए फिर से इसमें मैं दो सीटी लगा देती हूँ, आप चाहें तो एक सीटी भी लगा सकते हैं, तो और ज़्यादा क्रंची रहेंगी आपकी वेजिटेबल्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
मैं इस कढ़ाई में तड़का मारने वाली हूँ, तो बस ये वाली कढ़ाई को एक बार पानी से धो लूँगी और इसके बाद इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह डालूँगी। उससे पहले थोड़ा सा सामान मुझे चाहिए, वो सब इकट्ठा कर लूँगी, लाइक उड़द की दाल वगैरह, ये पैकेट उस दिन मैंने ला के रखा था जब मैं स्टॉक कर रही थी चीज़ें, तो ये चीज़ें कुछ चाहिए मुझे, तो लेके मैं किचन में जाती हूँ। चलिए कढ़ाई चढ़ा दी मैंने फाइनली, ये उड़द की दाल है धुली हुई वाली और ये सूखी साबुत लाल मिर्ची है। तो सबसे पहले इसमें मैं थोड़े से सरसों के दाने डाल रही हूँ, यानी कि जो मोटी वाली राई आती है वो सांभर में बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ी छोटी वाली राई, यानी कि मोटी और छोटी दोनों तरह की राई डाली है। और इसके बाद में ना सबसे पहले जाएगी उड़द की धुली हुई दाल। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं, मेरे घर में कड़ी पत्ता भी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है तो मैं ला भी नहीं पा रही हूँ, तो डायरेक्टली मैंने उड़द की दाल को डाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। देन इसमें थोड़ा सा हींग का पाउडर डालेंगे और इसके बाद इसमें जो सूखी साबुत लाल मिर्च है वो डालेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी लगती हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर करी लीव्स कड़ी पत्ता घर में तो ज़रूर डालिएगा, मेरे घर में फ़िलहाल नहीं है इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, सांभर में बहुत अच्छा लगता है कड़ी पत्ता। तो ये मैंने थोड़ा सा हींग डाला और डायरेक्टली अब प्याज जो हमने कट करके रखी है बड़े बड़े पीसेज में उनको डाल देना है, थोड़ी देर के लिए चलाते हुए स्टिर करना है। और इसके बाद में मैंने जो जिंजर और ग्रीन चिली एक साथ कटिंग करके रखा था छोटा छोटा, उसको डाल देना है प्याज के ही साथ, बस फिर उसको फ्राई करते रहना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे सो दैट ये फटाफट से फ्राई हो जाए। और इस तरह से सांभर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। चलो चटनी बना लेते हैं। मीनवाइल सूखा नारियल है और ये जो चने का दाढ़िया बोलते हैं इसको, ये चने की दाल नहीं है, ये वो है जो एकदम क्या बोलते हैं इसको, चने की दाल का दाढ़िया, ये किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। ये चने की दाल कच्ची नहीं है, ये वो है जो हम खा भी सकते हैं, यू नो। और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। मीनवाइल मेरी प्याज हो गई है तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, थोड़े टमाटर मैंने उबालते हुए डाले थे, थोड़े यहाँ पे डाले हैं, आपने देख ही लिया है। कुकर भी खोल के दिखा देती हूँ आपको, दाल मेरी उबल चुकी है, ये देखिए सब्जी भी क्रंची दिख रही है क्योंकि मैंने दो सीटी लगा के बाद में डाला था और फिर एक ही सीटी लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दी है, यानी टोटल इसमें सूखा हुआ नारियल है और इसके साथ में चने की वो है दाढ़िया और हरी मिर्ची है और नमक है, इसको पीस लेंगे। साथ साथ मेरा ये टमाटर मैं एक बार चला दूँगी, फिर से दो मिनट के लिए ढक दूँगी क्योंकि अभी टमाटर नहीं हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे टमाटर होने लगे हैं, तो चलिए फिर अब मसाले डालते हैं इसके अंदर। तो इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा मैंने उबालते हुए डाला था दाल को, थोड़ा यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसके बाद में जो भी मसाले लगते हैं लाइक लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा कलर के लिए जाएगा अंदर, बहुत ही अच्छा लगेगा कलर इसमें सांभर में। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा धनिया पाउडर भी डालूंगी, थोड़ा बहुत डालेंगे ज़्यादा नहीं, और डालूंगी फिर सांभर मसाला। आप सांभर में जितने कम मसाले डालें उतना अच्छा टेस्ट आएगा, सिर्फ सांभर मसाला ही ज़्यादा डालिए क्वांटिटी में। तो दो बड़े चम्मच जैसा सांभर मसाला मैंने डाला है, कोई भी कंपनी का आप डाल सकते हो, मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब बस मेरी दाल को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। थोड़ा पानी इसमें जाएगा, थोड़ा इमली का पानी जाएगा, ये इमली का पानी मैंने निकाल के रखा हुआ है तो खटास के ये डालेंगे। और फिर इसके बाद में ना इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी शुगर जाएगी, शुगर बहुत कम जाएगी। थोड़ा सा सांभर मसाला भी मैंने वापस से ऊपर से ऐड कर दिया है तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी। टेस्ट करके देखा मैंने, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये थोड़ी सी शुगर, सिर्फ नाम के लिए हल्की सी शुगर पड़ती है, थोड़ा सा टेस्ट आता हुआ अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मैं ये जो डाल रही हूँ ये मेथी मसाला बोलते हैं इसे, ये घर में बनाया जाता है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया है, लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं, सांभर मसाला विल डू। और इसके बाद में हरा धनिया ऊपर से डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पका लूँगी, तो मेरा जो सांभर है वो एकदम रेडी हो जाएगा। नमक डाल देंगे जितना डिज़ायर्ड है, यहाँ चटनी पीस चुकी हूँ मैं, तो देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है। और अब इसके ऊपर मैं तड़का मार दूँगी राई का या सरसों का। तो ये वाली चटनी ऐसी है ना कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आपको कच्चा नारियल ना मिले तो सूखे नारियल का बना सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरा सांभर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो मैं ये विवेक को टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ और विवेक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो चलो अब तड़का लगा लेते हैं। तेल को गरम किया, इसके अंदर सरसों डाला और बस डायरेक्टली डाल दिया। इसमें भी आप करी लीव डाल सकते हो, करी लीव मेरे घर में अभी है नहीं। तो ये हमारी चटनी हो गई तैयार। चलिए फिर इडली बनाते हैं। ये जो इडली का बैटर मैं यूज़ कर रही हूँ ये तैयार बैटर है जो बेकरी पे मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ नीचे जो एक शॉप ओपन है जिसको पास मिला हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पे मिल जाता है कभी कभार, तो ये वहाँ का है। बट आप चाहें तो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। वो कैसे करना है, एक कटोरी उड़द की दाल, तीन कटोरी चावल आप भिगो दीजिए कम से कम 3 से 4 घंटा, इसके बाद पीस दीजिए, अंदर थोड़ा सा पोहा डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए कम से कम 6 से 7 घंटे, और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। अगर फर्मेंटेशन ठीक से ना हो थोड़ा इनो डाल दीजिएगा बैटर में और फिर आप बना लीजिएगा इडली, बहुत ही बढ़िया बनेगी, ट्रस्ट मी। तो इसको रख दूंगी मैं 10 मिनट के लिए होने के लिए, बस मैंने नमक डाला है अंदर, थोड़ा सा इनो
इनो डाला हुआ है, दैट्स इट। और मेरी गरम गरम इडलियाँ आप देख सकते हो तैयार है, कितनी अच्छी बनी है, एकदम फ्लफी बनी है। और इसी बैटर का मैं उत्तपम और डोसा भी बनाती हूँ, लेकिन आज सिर्फ इडली का ही प्रोग्राम है। तो ये देखिए पूरी थाली सजा दी है मैंने, अब मैं देने जा रही हूँ बच्चों को, विवेक को, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो ये बाकी की इडली भी डब्बे में निकाल दूंगी मैं, और फिर वापस से बैटर को रख दूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा बैटर सुबह के लिए बचा के रखने वाली हूँ, क्योंकि सांभर कुछ ज़्यादा ही बन गया है, तो ये लोग कल भी एंजॉय करेंगे उत्तपम या इडली व्हाटएवर। तो चलिए मिलते हैं आपको कैमरे के सामने। अमेजिंग लाइक इट, सच्ची में क्या बोलूं, मजा आया। तो चटनी तो लगाओ, चटनी के साथ खाओ, सांभर के साथ चटनी तो लगा थोड़ी। अभी बस अभी रॉकी के लिए लो पापा मेरे में से। जो आ गया राजकुमारों पर लगेगी, अब समय आ गया है, अनुसार कार्यभार निश्चित कर देंगे। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र अचानक बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़कर विश्वामित्र। Hey guys, तो सब काम खत्म करते करते जस्ट अभी आके बैठी हूँ खा के मैं, और अभी बजे में 10:10 हुए हैं। तो ये लोग सब रामायण देख रहे हैं बैठे हुए, वो मैं बचपन में देखा करती थी, तो वही रामायण फिर से प्रसारित होने लगा है। तो आपने देख लिया, वो लोग आगे बैठ के वही देख रहे हैं, और मैं भी जा रही हूँ अब उनको ज्वाइन करने के लिए। तो चेंज वेंज करूँगी पहले, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अब। इसने काफ़ी काम किया, मैंने आज नॉन स्टॉप आज पूरा दिन काम किया, और विवेक बोल भी रहे हैं कि तुझ पे दया आ रही है मुझे। और उनको सांभर इतना पसंद आया, आज मैंने बहुत सालों के बाद सांभर बनाया, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनाया है, मतलब बहुत ही अच्छा बना है ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो अभी काफ़ी सारा बच गया है, तो कल होपफुली ब्रेकफास्ट में भी यही होगा। इडली का बैटर भी थोड़ा सा मैंने रख दिया है फ्रिज में बचा के, तो सुबह में भी होपफुली इडली चटनी और सांभर ही होगा, और काफ़ी अच्छा बना था। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये चटनी आप ज़रूर ट्राई करना है। जैसे क्या होता है ना, जनरली हम जब चटनी बनाते हैं डोसे के साथ वाली, तो वो हम वाला बनाते हैं कच्चे नारियल वाला, लेकिन कच्चा नारियल अभी आजकल तो पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर जा पाएँ, तो घर में जो सूखा नारियल होता है उसी से मैंने बनाई थी, और बहुत टेस्टी बनी थी। सिर्फ 3 चीज़ें डाली थी। अगर आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें हों, लाइक सिर्फ कोकोनट है और धनिया है, तो भी आप डाल सकते हो, थोड़े शींग दाने डाल सकते हो, यानी कि मूंगफली दाना, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो अब मैं टोटली टायर्ड हो चुकी हूँ, अब ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर बहुत लंबे लंबे व्लॉग हो जाते हैं, एंड आई नो कि ये भी लंबा ही हो गया होगा, इसमें काफ़ी चिट चैट हुआ है रिगार्डिंग दीज डेज क्या चल रहा है वो सब। तो बस यही कह रही हूँ, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को आजकल रामायण दिखाइए, बहुत अच्छा टाइम है ये, जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके ये प्रसारित करना शुरू किया टीवी पे। तो मेरे बच्चों को तो मैंने बोल दिया कि रोज़ देखना है, रोज़ देखना है, तो उनको सारी जानकारी सारी नॉलेज हो जाएगी रामायण के बारे में, और बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, जो वो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। जैसे कि मैंने जब देखा था बचपन में, अभी तक मुझे सब कुछ याद है। अभी विवेक को ना सीता जी के फादर का नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने तुरंत बोल दिया क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देखा था। आई डू रिमेंबर जब मैं छोटी सी थी, तब सिर्फ पूरे जो सोसाइटी थी, जो हमारा मोहल्ला था, उसमें सिर्फ हमारे घर में टीवी था, और वो वाला टीवी था जिसके दरवाजे खुलते थे। आपको याद हो अगर तो, कोई मेरी बात समझ के याद कर ले तो, मेरे टाइम के हो तो वो टाइम पे सिर्फ हमारे घर टीवी था। जब रामायण आता था टीवी पे, मुझे आज भी याद है, रामायण सीरियल जैसे ही आता था, जिस दिन आने वाला होता था, हम पीछे बैठते थे एक चेयर पे सब लोग, मैं, मम्मी, पापा, मेरे भाई बहन, और पूरा बड़ा रूम था और दूर टीवी रखा था, पूरा भर जाता था, सारे मोहल्ले वाले बच्चे आके देखते थे। तो वो दिन याद आ गए आज मुझे, पुराने दिन याद आ गए। चलिए, तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर मैं आपको साड़ी में अच्छी लगी, घर का काम करते हुए कहीं गई तो नहीं थी, लेकिन बस विवेक की खुशी के लिए और आप लोगों की इच्छा पे पहनी थी। विवेक बहुत दिनों से ज़िद कर रहे थे, तो उनकी ज़िद के चलते मुझे ये करना पड़ा आज, और आप लोगों की भी इच्छा थी। कुछ लोगों ने लिखा था, दीदी कभी तो साड़ी पहनो, तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं साथ। बहुत ज़्यादा थक गई, अब मैं चेंज कर लूँ कपड़े, एडिटिंग कर लूँ कल की, और खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा। ऐसे अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, ऐसा सोचो ही मत ऐसा कि हम लोग घर में पैक्ड हैं। अपने फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग कर लो, बात कर लो, अच्छी अच्छी चीज़ें बना लो, मुझे देख देख के खा लो, इन्जॉय कर लो इसी तरह से, है ना। और रामायण ज़रूर देखना, घर पे रहिए, सेफ रहिए। लव यू गाइज, हैशटैग स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। गर्म पानी बार बार पीजिए, गर्म पानी, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि गर्म पानी बार बार पीना चाहिए आजकल, गर्म पानी बार बार पीजिए और घर पे ही रहिए बस, और मेरे व्लॉग देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए मेरे साथ साथ। आपके किस दिन कहाँ निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बाय बाय।